नेक्स्ट पार्ट थ्री है सैवन चैप्टर का, टेंथ क्लास का सैवन चैप्टर है। क्वेश्चन स्टार्ट करन तो पहला साढ़े चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट आर डी सी सबसक्राइब करो तो शेयर करो स्टूडेंट्स के नाल, सानू कमेंट बॉक्स के दसो कि क्वेश्चन के सू प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, पंजाबी वाले स्टूडेंट्स के लिए की है कि एक्स के धुरे तो बराबर दूरी पर होवे पॉइंट, आ दो पॉइंटा दे विच डिस्टेंस फाइंड करना, यानी कि दूरी का फॉर्मूला लगा के उन्हों फाइंड करो डिस्टेंस जिहड़ा कि एक्स के धुरे तो बराबर दूरी पर होवे। हुण एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस का कुछ तो मतलब होगा इस पॉइंट के विच, इन्हां दोनों ते डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगन लगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन किदा करने आ। पहला तुसीं एक्स एक्सिस का पॉइंट बनाओगे, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोई भी पॉइंट जिहड़े उहदे कोआर्डीनेट की हो सकते हैं तुहानूं पता ही है, एक्स कौमा जीरो। ठीक है, यानी कि एक्स का पॉइंट है वाई का नहीं होना। अगर एक्स एक्सिस की थान पर थानू वाई एक्सिस दिता होया तो पॉइंट आ जाने जीरो कौमा वाई। ओके, नाओ एक्स एक्सिस के पॉइंट तुसीं लिख ले आ, इहनू मैं कोई भी दे दिनी आ, पी ले लो, पी ले लिया इहदा नाम। ठीक है, तो लैट दूसरे पॉइंट जिहड़े आ उह मैं ले लिया, ए पॉइंट हैगा साढ़े कोल टू कौमा माइनस फाइव और बी पॉइंट साढ़े कोल हैगा माइनस टू कौमा नाइन। ठीक है, हुण उहने की किया इक्यू डिस्टेंस ते, यानी कि आ पॉइंट आ साढ़े कोल, आ कोई पॉइंट आ, ये हैगा साढ़े कोल पी, आ इत्थे हैगा ए, इत्थे हैगा साढ़े कोल बी, आह वाला पॉइंट ते आह वाला पॉइंट बराबर दूरी ते आ। समझ किदा करना, जाने के ए पी पी ए इहदा डिस्टेंस इज़ इक्वल टू बी पी जां पी बी, इन्हों का डिस्टेंस इक्यू डिस्टेंस का मतलब यह है इको जी दूरी के उत्ते। हुण देखते हैं, सब तो पहला तुसी लगाना की है, थोड़े को डिस्टेंस फॉर्मूला है की सीगा, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर, ये साढ़े को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला पहला साढ़े को पॉइंट है पी ए इज इक्वल टू पी बी, आ तुसी लगाना पी ए दे पॉइंट, सानू पी भी पता, ए भी पता, पी पता, बी भी पता। ठीक है, पी ए किन्ना हो गया साढ़े को एक्स माइनस, क्योंकि पी का पॉइंट आह आया, एदा पॉइंट हैगा टू पहला, एदा होल स्केयर प्लस जीरो माइनस माइनस द फाइव। ठीक है, एदा होल स्केयर इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू थोड़ा इधर नू स्पेस करके लिखना क्योंकि इक्वल लाइन दे विच लिखना है आपां सारा। अच्छा जी, पी बी का पॉइंट की हो गया एक्स माइनस टू एदा होल स्केयर, ओके एक्स माइनस टू का होल स्केयर, तो दूसरे पासे की आ गया थोड़े को प्लस जीरो माइनस किन्ना आ गया, जीरो माइनस बी का पॉइंट किन्ना सेगा नाइन, एदा होल स्केयर इत्थे आ गया माइनस माइनस द टू, जीरो माइनस नाइन का होल स्केयर। ओके, लिख दिता, नाओ सोल्व करो तुसी इस चीज़ नू, सोल्व करन ते थाडे कोल की आ जाएगा एक्स माइनस टू इहदा होल स्केयर एज इट इज़ रहता प्लस, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस फाइव का होल स्केयर। ठीक है, इज़ इक्वल टू दूसरी साइड ते की आ गया एक्स माइनस माइनस हो गई प्लस का, एक्स प्लस टू का होल स्केयर आ गया प्लस नाइन का होल स्केयर। ठीक है, हुण इहनू सोल्व करो, हुण इत्थों सोल्व इदां ही नहीं हो जाना, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता पिया। अगर मैं कहां कि ए माइनस बी का होल स्केयर किहदे बराबर होगा तो होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, आ फॉर्मूला लगा के तुसीं आ ब्रैकेट खोलोगे, आ थोड़े को ए आ थोड़े को बी आ, की आ जाएगा अंडर द रूट एक्स का स्केयर सीधा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस टू ए बी। जब तुसीं इहनू सोल्व करोगे तो थोड़े को आ गया एक्स का स्केयर प्लस बी का स्केयर मतलब फोर माइनस टू ए बी, टू इंटू टू कि हो गया टू एक्स। ठीक है, प्लस का फाइव जोड़ा वह स्केयर किया ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू दूसरी साइड के उत्ते भी करा एक्स का स्केयर प्लस फोर का स्केयर प्लस टू एक्स टू ए बी फोर एक्स। ओके, अगे नाइन का स्केयर कि आ गया एटी वन, सॉल्व हो गया। हुण थोड़े को अंडर रूट के की करोगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स मतलब यदा स्केयर होल स्केयर इधर भी होल स्केयर के नाल अंडरूट कैंसल हो जाना, तुहाडे कोल की आ जाना एक्स का स्केयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस एटी वन। ओके, हुण जिहड़ी जिहड़ी चीज़ एक साइड पर लै आओ सारिया चीज़ों, तो थोड़े को बन जाएगा
कैंसल करना चाहो कैंसल कर दो इदां ही, जां फिर एक साइड ते ले आओ फिर कैंसल कर देना, एक ही गल है। प्लस 25 आ सारी दूसरे पासे जाएगी तो माइनस दे साइन जिहड़े सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 4x माइनस का 81 सारे साइन चेंज हो गए। नाओ हुण तुसीं की करोगे, हुण तुसीं कैंसल करो कि चीज़ कैंसल होंगी, देखो एक्स का स्केयर इधर भी सी कैंसल हो गया, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसल हो गया, माइनस का 4x माइनस का 4x कितना गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 0 सी। 81 ते 25 नू जदों तुसीं माइनस किया तो यह आ गया माइनस का 81 ते 25 नू किया आ गया माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। ओके नाओ हुण तुसीं इहनू सॉल्व करो, 8x इज इक्वल टू 56 क्योंकि मैं दूसरे पासे लै गई, तो इधर कितना आ गया x इज इक्वल टू 56 डिवाइड माइनस द 8, इनू कैंसल करोगे x दी वैल्यू आ जाएगी थोड़े को माइनस द 7। आही चीज़ तुसी फाइंड करनी सी इस क्वेश्चन दे विच के x दी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। इत्थे स्केयरिंग किया जाने के स्केयर किया हो स्केयर वो अंडर द रूट कैंसल हो जाना। नाओ नैक्सट क्वेश्चन है, फटाफट कर लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हुण वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला पी भी दिता होया क्यू भी दिता होया तो 10 यूनिट भी दिते, हुण इहदा की मतलब होया पी क्यू भी दिता होया, इन्होंने इक्यो डिस्टेंस नहीं दिता इहदे विच, इस करके ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन दे नालों डिफरेंट है। हुण देखो पी क्यू पॉइंट दिता होया तो उन्हें लिखा 10 यूनिट, आह वाली वाई जी वो फाइंड करनी है, तो यह किदा करांगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पी क्यू दे उत्ते, किन्ना हो जाएगा वो थोड़े को पी क्यू इज इक्वल टू, लगाओ पी और क्यू तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर द रूट किन्ना आ गया, ये आ गया 2 - 10 एदा होल स्केयर प्लस माइनस द 3 माइनस द वाई एदा होल स्केयर इज इक्वल टू 10। आ चीज़ दिती हुई है उन्हें कि वह इक्व डिस्टेंस ते है 10 यूनिट दे। नाओ हुण इहनू सॉल्व कर लो, सॉल्व करन दा तरीका उही आ, अंडर द रूट 10 दे विचों किन्ना आ गया माइनस द 8 दा होल स्केयर प्लस माइनस द 3 माइनस द वाई इहदा होल स्केयर इज इक्वल टू 10। क्योंकि मैं अंडर रूट हटाउणा आ तां मैं की कीता स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड दा मतलब की हो गया थोड़े कोल, इहनू सॉल्व करोगे किन्ना आ गया 64 प्लस यदी माइनस जी वह बार कट दो कि आ जाएगी थोड़े को आ जाएगा थोड़े को वाई, अगर मैं यदि जी माइनस आ वह बार क्ढ़ी तो कि चलो इतने ऐदी फॉर्मूला लगा लो कि आ जाएगा यदा फॉर्मूला माइनस 3 का होल स्केयर प्लस माइनस वाई का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 2ab कि आ गया 2 - 3 इंटू माइनस दी वाई। ओके इज इक्वल टू एदा स्केयर किया आ गया 100। नाओ सॉल्व करो इनू 64 जदों ए सारे नू सॉल्व किया ये थोड़े को कितना आ गया प्लस 9 प्लस वाई का स्केयर माइनस का कितना आ गया 6y इज इक्वल टू 100। सॉल्व करो 64 ते 9 जदों तुसी प्लस किए तो यह किन्ने आ गए, पहला तुसी बाकी चीज़ा लिख लो माइनस 6y इज इक्वल टू 100। हुण 64 ते प्लस किया 9 73 दूसरे पासे लै गए, ठीक है। वाई का स्केयर माइनस 6y इज इक्वल टू ये माइनस किया ये कि आ गया ये थोड़े को आ गया 10 दे विचों तुसी करोगे 3 माइनस करोगे 7 और 9 दे विचों जो तुसी 7 माइनस किए आ गया 2 27 वाई का स्केयर माइनस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आडे को एक इक्वेशन बन गई जी तुम फोर्थ चैप्टर की उदा की इक्वेशन बन गई, ठीक है। इनू जो तुम सॉल्व करोगे तो थोड़े को बहुत ही सिमिलर जहा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई की वैल्यू, इनू तुम सॉल्व कर लेना क्यों, क्योंकि आप चौथे चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्व कीतियां हुई हैं तो थोड़े को वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी एक आ जाएगी 3 एक वाई की वैल्यू आ जाएगी थोड़े को माइनस द 9, ठीक है। हुण आ जिहड़ी वाई की वैल्यू माइनस द 9 इहनू मैं कैंसल कर दी हाँ, कैंसल क्यों की आ क्योंकि डिस्टेंस जिहड़ा आ ना वह कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकता, इस करके ए वैल्यू कैंसल कर देनी रिजैक्ट कर देनी तो वाई की एक्चुअल वैल्यू कि आ जाएगी 3। इहनू क्वाड्रैटिक इक्वेशन सॉल्व करन तो बाद जिहड़ी तुसीं फोर्थ चैप्टर दे विच कीती हुई आ ऑलरेडी जिदा पंजाबी वाले स्टूडेंट्स दे लई गुणनखंड बना के,
ठीक है। नाउ नैक्सट थोड़े को क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स ते वाई दे बिचला रिलेशन फाइंड करना इस पॉइंट दा जिहड़ा इक्यू डिस्टेंस दे, देखो इत्थे इक्यू डिस्टेंस दिता होया आ, एना पॉइंट्स तो इक्यू डिस्टेंस ते आ, तां इह क्वेश्चन किद्दां करांगे तुसीं देखो, एक थोड़े को पॉइंट आ पी, इहनूं मैं मान लिया पी जिहड़ा पॉइंट हैगा एक्स वाई आ, ठीक है। उस तों बाद थोड़े को पॉइंट हैगा ए जिहड़ा कि थोड़े को हैगा 3.6 और पॉइंट हैगा बी जिहड़ा हैगा -3 ते 4, ठीक है। इको जिहा डिस्टेंस ते आ चीज़ आ जिद्दां आपां पहलां क्वेश्चन कीता सी, आ इको जिहा डिस्टेंस ते, जाने कि फाइंड आपां की करना पी ए इज इक्वल टू पी बी, आ चीज़ फाइंड करनी है इक्यू डिस्टेंस दी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ फटाफट, अंडर द रूट किन्ना आ जाएगा एक्स -3 इहदा होल स्क्वेयर प्लस वाई -6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, दूसरी साइड वाला किन्ना आ जाएगा एक्स --3 इहदा होल स्क्वेयर प्लस वाई -4 इहदा होल स्क्वेयर, ठीक है। सॉल्व करो जी, अंडर द रूट एक्स -3 का होल स्क्वेयर प्लस वाई -6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इत्थे किन्ना आ गया अंडर द रूट एक्स +3 का होल स्क्वेयर प्लस वाई -4 इहदा होल स्क्वेयर, ओके। हुण स्केयरिंग बोथ साइड जो तुसीं कीता तां स्केयरिंग बोथ साइड तां आह चीज़ आ गई लिख के, ठीक है। आ स्केयर दे नाल अंडरूड कैंसल हो गया। नाओ अपने कोल की बचिया, अपने कोल बचिया एक्स -3 इहदा होल स्क्वेयर प्लस वाई -6 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स +3 का होल स्क्वेयर प्लस वाई -4 का होल स्क्वेयर, आ चीज़ बची। हुण ए -b ए +b यही सारे फॉर्मूले लगते पे आ, फॉर्मूला लगा के इहनूं जदों तुसीं खोलोगे किन्ना आ जाएगा ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर -2ab 6x। सिमिलरली इत्थे भी फॉर्मूला लगाओ, ए का स्क्वेयर आ बी आ प्लस बी का स्क्वेयर -2ab जाने के किन्ना गया 12y। आ चीज़ सॉल्व हो गई, दोनों के फॉर्मूले खोल दते। सिमिलरली इहदा भी फॉर्मूला खोलो, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, मैं इत्थे थोड़ा लिख दिनी ताकि उत्थे आ नहीं रहा, +2ab 6x इहदा खोलो, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर -2ab किन्ना हो गया 8y। दोनों के फॉर्मूले आपां खोल दिते इस इक्वेशन दे विच। नाओ नैक्सट स्टैप है, जिहड़ा चीज़ कैंसल हुंदी आ कैंसल कर दो, जिहड़ी बाकी बची आ वो ठीक है। देखो आ इधर भी एक्स का स्केयर एज इट इज़ कैंसल हो गया, 9 इधर भी आ कैंसल हो गया, इको जहा साइन होने जरूरी है अगर बराबर तो दूसरे पास कैंसल कर रहे हो। 6x प्लस का माइनस का ए कैंसल नहीं होना क्योंकि बराबर तो दूसरी पास जाके ए ने माइनस का ही बन जाना, ठीक है। आ वाई इधर भी प्लस दी इधर भी प्लस दी कैंसल हो गई, होर कोई चीज़ कैंसल होंदी पई आ, नहीं होर कोई चीज़ कैंसल नहीं होंदी पई। नाओ हुण अपने कोल जो भी बचा है उन्हूं प्लस माइनस करके थोड़े कोल की आंसर आ गया, 20 इज इक्वल टू एक्स वाले दे नाल इधर जाके प्लस माइनस हो गया, वाई वाले दे नाल वो थोड़े कोल की बन गया 20 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y। आ चीज़ बन गई, एक्स वाई वाले एक्स साइड पर लै लिया, मैं जिहड़े एक्स वाई तो बिना आ वो एक्स साइड पर लै गया। नाओ हुण तुसीं की इहनूं देखो, ये सारे दे सारे जिहड़े आ फोर्थ दे टेबल दे विच कैंसल हो जांदे आ, अगर मैं इहनां दे विचों फोर्थ कॉमन कढ़ां जां फोर्थ दे नाल डिवाइड करां सारी इक्वेशन नूं तां ओह कैंसल हो जाएगी, किन्ने आ जाएगा थोड़े कोल कैंसल होके 5 इज इक्वल टू फोर दे टेबल ते 12 कित्थे आउंदे आ 3 दे उत्ते आउंदे आ 3x प्लस वाई क्योंकि 4 दे नाल 4 कैंसल हो गया, मैं 4 दे नाल डिवाइड कीता क्योंकि 4 दे 4 ही जिहड़े आ 4 दे टेबल ते आउंदे सी। नाओ इहनूं इदां भी लिख सकदे आ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आही हुण 5 नूं दूसरे पासे लै आओ 3x प्लस वाई माइनस द 5 इज इक्वल टू 0, आही तुहाडे कोल रिलेशन आ। इक्वेशन बनाउणी सी तुसीं, ओह की कह रहा सी कि फाइंड द रिलेशन, रिलेशन फाइंड करो। हुण रिलेशन एक्स ते वाई दियां वैल्यू अगर तुसीं कढ़णी आ तां आह तुहाडे कोल इक्वेशन आ गई जिहड़ी कि उहदा रिलेशन फाइंड करदी दो पॉइंट्स दे विच। आही तुहाडा क्वेश्चन सी, इहदे नाल तुहाडी इह वाली एक्सरसाइज़ खत्म हुंदी आ। इहदे नाल दे अगर होर क्वेश्चन तुसीं करने आ कमेंट दे विच दसो, होर भी करवा दित्ते जाणगे। थैंक यू।